नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। आइए देखते हैं जगदलपुर की खबरें। कोविड के नए वेरिएंट को देखते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क हो गया है और कोविड मरीज अगर आते हैं तो उनको कितनी जल्दी राहत पहुंचाई जा सके, इसके लिए बाकायदा मेडिकल कॉलेज में मॉक ड्रिल भी कराया गया है। वहीं रायपुर में कोविड के नए मरीज पाए जाने के बाद से स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन द्वारा कोविड मरीजों के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और मेकॉज में कोविड के मरीज आने पर उसे किस तरह से वार्ड में ले जाया जाएगा, साथ ही उसके लिए क्या क्या व्यवस्था रहेगी, उसे लेकर मॉक ड्रिल किया गया। कोरोना के नए वेरिएंट के पाए जाने के बाद प्रशासन ने एक बार फिर से कमर कसते हुए कोविड के खिलाफ फिर से सुरक्षा व्यवस्था शुरू कर दी गई है। मेकॉज अधीक्षक डॉक्टर अनुरूप साहू के नेतृत्व में आपातकाल वार्ड के सामने कोविड मरीज के आने पर किस प्रकार से मरीज को सुरक्षित वार्ड तक ले जाना है, उसे लेकर मॉक ड्रिल किया गया। साथ ही मेडिकल कॉलेज में फिलहाल 35 बिस्तरों का बेड को तैयार कर दिया गया है और बढ़ते केस के आधार पर 48 घंटे में बेड की संख्या बढ़ाए जाने की बात प्रबंधन ने की है। इसके अलावा जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। वहीं बस्तर कलेक्टर ने बताया कि कोविड को ध्यान में रखते हुए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट में आने वाले लोगों का टेस्ट भी किया जाएगा, साथ ही विदेश से आने वाले को विशेष तौर पर जाँच की जाएगी। उन्होंने लोगों से भीड़ भाड़ इलाके में जाने से बचने की अपील की है और आम लोगों को कोविड नियमों के लाइन का पालन करने को कहा है। कोविड की अगर बात करेंगे तो इस हेतु जो तीनों मुख्य केंद्र जो हमारे बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट, यहाँ पे हमारे कोविड के जो गाइडलाइंस के अनुरूप वहाँ पे टेस्टिंग टीम्स तैनात कर दी गए। खास करके जो विदेश से जो हमारे जो यात्रीगण आएंगे उनका तो मैंडेटरीली चेकिंग होगी। इसके अलावा जो हमारे स्टेट से बाहर जो आने वाले जो है, खास करके बड़े बड़े शहरों में जहाँ पे बड़ी संख्या में आज के दिन में कोविड दिखने को मिल रही है, वहाँ के यात्री अगर आ रहे हैं तो उनका भी मैंडेटरी टेस्टिंग हम लोग करवा रहे हैं। इसके अलावा जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से मुख्य रूप से हमारे चित्रकूट में जहाँ पे सैलार्थी सैलानी जो होते हैं, जो उस तरफ नदी के अगल बगल में जाने की कोशिश करते हैं, उनसे मेरा अनुरोध है जो लोकल जो स्तर पर जो थाना और चौकी प्रभारी लोगों ने जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था तैनात किया गया है उसको स्पष्ट रूप से पालन करें। आपका और वहाँ का सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये काफ़ी ज़रूरत है। शासन के निर्देशानुसार कोविड प्रिपेयरनेस के लिए हमारे यहाँ आज मॉक ड्रिल किया गया। मॉक ड्रिल में मरीज के आगमन से लेकर के उसके डिस्चार्ज तक का पूरे इलाज का, जांच का, पूरा व्यवस्था का अपने प्रैक्टिकल करके देखा उसको और कैसे करना है। हमारे अस्पताल में उनके इलाज के लिए कोई अगर किसी को कोविड पॉजिटिव आता है उनके इलाज की पूर्ण व्यवस्था है। हमारा अस्पताल जैसे पहले भी हमारा अस्पताल जो है पूरे प्रदेश में अव्वल रहा है, तो इलाज की दृष्टिकोण से सर्वांगीण ट्रीटमेंट के दृष्टिकोण से हमारा अस्पताल पूर्ण तत्पर है। अभी कितना बेड का है और बाद में कितना बढ़ सकता है? अभी वर्तमान में हमारे पास 35 बेड का इंतजाम करके रखे हैं, रिजर्व करके रखे हैं कोविड के लिए। अगर किसी कारण परिस्थितिवश अगर बढ़ता है तो हम 48 घंटे के भीतर में 200 बेड तक से बढ़ा सकते हैं। वी टाइम न्यूज के लिए जगदलपुर से बासकी ठाकुर की रिपोर्ट।